माइगोव डेली डाइजेस्ट के वीकेंड एडिशन में आपका स्वागत है। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी। 15 अगस्त को भारत अपनी 75वीं सालगिरह मनाने जा रहा है, इसलिए देश इसे अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। भारत के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आइए जानते हैं 15 अगस्त से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ये पहली बार हो रहा है जब देश के प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से अपने भाषणों में आम जनों के सुझाव और विचारों को भी शामिल करेंगे। लाल किले की प्राचीर से जब 15 अगस्त को भारतीय राष्ट्रगान गूंजेगा तो याद रखिएगा कि लाल किले का 1857 में हुए स्वतंत्रता संग्राम में एक अहम योगदान रहा है। भारत का झंडा सिर्फ खादी के कपड़े से तैयार होता है। आजादी के बाद लाल किले पर जो तिरंगा फहराया गया था वो राजस्थान के दौसा के बुनकरों द्वारा तैयार किया गया। हमें आशा है कि 15 अगस्त को जब आप राष्ट्रगान के 52 सेकेंड्स के लिए खड़े होंगे तो उन अनसंग हीरोज को श्रद्धांजलि जरूर देंगे जिन्होंने एक मजबूत भारत की नींव रखी। अपनी फंडामेंटल ड्यूटी निभाते हुए राष्ट्रगान की अपनी वीडियोस आप हमसे शेयर कर सकते हैं #राष्ट्रगान का यूज करके। वहीं अगर बात की जाए स्पोर्ट्स के अनसंग हीरोज की तो आपको बता दें कि जापान की राजधानी टोक्यो में आगामी 24 अगस्त से शुरू हो रहे पैरा ओलंपिक्स खेलों में 2016 के गोल्ड मेडल विनर विजेता मरियप्पन थंगवेलु भारत के फ्लैग बेयरर होंगे। श्री मरियप्पन थंगवेलु जी के बारे में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में जिक्र किया था। मरियप्पन जी की इंस्पायरिंग स्टोरी हमें सिखाती है कि असफलता आपको कभी पीछे नहीं हटाएगी यदि आपका दृढ़ निश्चय मजबूत है। भारत के अमृत महोत्सव से जुड़ी कुछ इंस्पायरिंग स्टोरीज के साथ अब हम आपसे मिलेंगे सोमवार को। माइगोव की पूरी टीम की ओर से 75वें स्वतंत्रता दिवस की आपको ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद।